हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश बनाना, या इसको कह सकते हैं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इसी को बताना। सबसे पहला लाइन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ये हिंदी हो गया। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अगर यही बिहार के बदले, ठीक है, बिहार के बदले किसी भी जगह का नाम रखेंगे और पूछा जाएगा कि बिहार के बदले क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कर्नाटका की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है, कोलकाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो ये सब क्या जाएगा, यहाँ पर सिर्फ नाम को बदल देंगे और ये सब भी वैसे ही रह जाएगा। तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, अगर भारत की पूछेंगे तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ, वेयर इज द कैपिटल ऑफ, और यहाँ पर क्या जाएगा, इंडिया। अगर जवाब देना है कि बिहार की राजधानी पटना है तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अगर पूछते कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो लिखेंगे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। उसके बाद अगला है कि भारत की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। अगर यह पूछते कि 10 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन 10 वीक्स। इसी ए के बदले यहाँ पे 5, 10, 15 जितना सप्ताह का पूछेंगे उतना चेंज कर सकते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हमारे साथ आओ, अगर बोलना हिंदी में बोलेंगे हमारे साथ आओ, लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है कम विथ अस, दीपावली मुबारक हो। अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो हैप्पी दिवाली। अब आते हैं कि दीपावली, दीपावली के बदले क्या हो, छठ हो, दशहरा हो, होली हो, क्रिसमस हो, इत्यादि, यानी कि कोई भी पर्व हो, तो उसके बदले क्या कर देंगे, यहाँ पे पर्व का नाम चेंज कर लेंगे, हैप्पी दीपावली, हैप्पी छठ, हैप्पी दशहरा, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, ये सभी यहाँ पे सिर्फ पर्व के नाम को चेंज कर लेंगे। वह चला गया क्या, तो हैज ही लेफ्ट। अब वह के बदले जो प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन में, वह क्या कर देंगे, यानी कि प्रोनाउन में वो चेंज कर लेंगे। वह फ्रांसीसी है, ही इज फ्रेंच। अब वह फ्रांसीसी है, अमेरिकन है, जापानीज है, जो भी है, इसके बदले यहाँ पे वर्ड बस चेंज कर लेंगे और इसके लिए यहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन। यह फल है, दिस इज फ्रूट। अब यह फल है, इसके बदले कुछ भी रहेगा, यह फल है, या जानवर है, या किताब है, तो दिस इज फ्रूट, दिस इज एनिमल, दिस इज बुक्स, इत्यादि इसको चेंज कर लेंगे। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में कुछ और अलग बताएंगे। जब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।